में झूठ बोल रहा है, इनकी सत्ता चलेगी। ये बारी बांध के पंजाब में राज कर रहे थे, 5 साल अकाली दल पंजाब, 5 साल कांग्रेस पार्टी, इनकी बारी पंजाब के लोगों ने खत्म कर दी। इस बार तीसरी पार्टी की सरकार आई है तो कुछ ना कुछ तो बोलने के बोलना ही है इन्होंने। आज पंजाब का कौन सा मुद्दा है? आज पंजाब में करप्शन खत्म हो रही है। आज पंजाब में जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार इन कांग्रेस वालों ने पैदा किया था, जो माफिया राज इस कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया था, आज वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो रहा है लगातार। सो इसमें इन्होंने बोलना है, जिस माफिया के साथ ये पैसे कमाते थे, जिस माफिया के तहत ये पंजाब को लूटते थे, वो लूट पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद बंद हो गई। सो ये बोलेंगे पंजाब में जितने बड़े मुद्दे थे उनको आम आदमी पार्टी हल कर रही है। सो इनके पास कुछ नहीं बचा। जी मतलब विरोधी धिर कह रही है कि पूजा सिंह सरारी नु बर्खास्त किया जाए, वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिस टाइम जिसमें से पटियाला में कुछ लड़के नशे करते हुए पाए गए, अमृतसर में कुछ दिन पहले मिले, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसको नशा बढ़ रहा है पंजाब में, इस पर क्या कहना है आप? देखिए नशों के खिलाफ सरकार का बिल्कुल, सरकार पूरी तरह सख्त है और हमारी हमारी सरकार के जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर हैं लगातार वो ड्रग एडिक्ट को और जो ड्रग पेडलर हैं, जो नशे के तस्कर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो नशा तस्करी का धंधा था वो पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है, वो अकाली दल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वालों ने पंजाब में शुरू किया था। ये 6 महीने में शुरू नहीं हो गया, ये पिछले 10-15 साल में पंजाब का नशे का धंधा इन्हीं के लोग करते थे। अब उनको हम तहस नहस करते हैं, उनको हम खत्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि विजय सिंगला नु जिस तरह नाल तुसी बर्खास्त कीता सी, उधर पूजा सिंह नु, उधर पूजा सिंह नु बर्खास्त करो, उस तो बाद असी चर्चा करने लई तैयार हां। सर इधर घूम देखो, इन्हां दे कोले कुछ है नहीं, पंजाब दे सारे मुद्दियां दे उत्ते सरकार लगातार उन्हां दा हल कर रही है, उन्हां मुद्दियां नु एड्रेस कर रही है। सो ये जिहड़े हैगे ने गे सार्थक भूमिका निभाउण दे उत्तों आपोजिशन जिहड़ी आ कंस्ट्रक्टिव जिहड़ी रोल आ ਉਹ ਨਮਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰੇਗੀ, ਦੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਦੋ